प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को नवरात्र का खास गिफ्ट देने वाले हैं। शुक्रवार को पीएम काशी में नई परियोजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन एक तोहफा ऐसा होगा जो काशी को नई पहचान दिलाएगा। पीएम वाराणसी में अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे की नींव रखेंगे। क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। काशी की धरती अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। शुक्रवार को पीएम वाराणसी दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन सबसे खास तोहफा रोपवे का है। नवरात्र के मौके पर काशी वासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी 644 करोड़ के रोपवे की भी नींव रखने जा रहे हैं। दरअसल रोपवे 2 सालों में बनकर तैयार होगा और इससे बताया जा रहा है कि बनारस के जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला वाराणसी भारत का पहला और दुनिया का तीसरा शहर होगा। इससे पहले सिर्फ लापास और मेक्सिको सिटी में ही रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहर के बीचों बीच चल रहा ये रोपवे मेक्सिको सिटी का है। यहाँ लोग रोपवे से 4 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। मेक्सिको की तरह ही लापाज में भी रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ शहर में चलने वाले रोपवे की लंबाई 30 किलोमीटर है। रोपवे के इस सफर का लोग खूब लुत्फ उठाते हैं। लापाज के स्थानीय लोग हों या दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले सैलानी, हर कोई शहर में चलने वाले रोपवे का मुरीद है। मेक्सिको और लापास की तरह ही वाराणसी में भी लोग रोपवे का आनंद ले सकेंगे। पहले चरण में वाराणसी के रोपवे की लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। वाराणसी में रोपवे कैंट स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक चलेगा। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसका पीएम मोदी उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, उसमें शिलान्यास की अगर बात करें तो रोपवे बनकर तैयार होगा जो 644 करोड़ रुपए की लागत से है। कैंट से गोदौलिया तक यानी 4.25 किलोमीटर की दूरी मात्र 15 मिनट में तय होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बनारस का जाम है उससे भी बनारस को मुक्ति मिल जाएगी। रोपवे तैयार होने के बाद वाराणसी में 50 मीटर की ऊंचाई पर हर मिनट 100 यात्री सफर करेंगे। रोपवे में कुल 150 केबल कार या ट्रॉलियां होंगी। एक केबल कार पर 10 पैसेंजर सवार होंगे। 60 मिनट में दोनों साइड से 600 ट्रॉलियां गुजरेंगी, यानी यात्रियों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। काशी के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम हो रहा है। रोपवे भी उसी का हिस्सा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री वाराणसी में 1750 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 200 करोड़ की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, जबकि 1550 करोड़ की 9 परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। पीएम मोदी खेलो इंडिया के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिग्रा इंडोर स्टेडियम के फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी करीब 5 घंटे तक रुकेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पीएम मोदी 2014 में पहली बार वाराणसी से सांसद चुने गए। तभी उन्होंने काशी का विकास क्योटो की तर्ज पर करने का वादा किया था। उसी वादे को पीएम निभा रहे हैं और पूरी दुनिया में वाराणसी की पहचान अब सिर्फ सांस्कृतिक या धार्मिक शहर की ही नहीं बल्कि विकसित शहर की भी बन रही है। वाराणसी से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।